मेरी बगल में एक आंटी रहती हैं, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्हें अपने बच्चों का दाखिला सैनिक स्कूल में कराना है, लेकिन उन्हें लगता है क्या सैनिक स्कूल में केवल अफसरों के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं, और अगर आम लोगों को एडमिशन मिलता है तो इसका प्रोसेस क्या है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए हैं। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए NTA ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित करवाता है। साल 2023 एकेडमिक सेशन में क्लास 6 से 9 तक के एडमिशन के लिए ये टेस्ट आयोजित किया जाएगा। एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 है। NTA के नोटिफिकेशन के मुताबिक सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए AISSEE टेस्ट 3 जनवरी 2023 के दिन आयोजित किया जाएगा। ये टेस्ट CBSE से मान्यता प्राप्त देश के 33 सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए कराया जाएगा। सैनिक स्कूल इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। इन स्कूलों में स्टूडेंट को नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और बाकी ट्रेनिंग अकेडमी में जाने के लिए ट्रेन किया जाता है। टेस्ट पेन पेपर फॉर्मेट में कराया जाता है, यानी ये एक ऑफलाइन टेस्ट है। टेस्ट में MCQ सवाल पूछे जाते हैं, जिनके जवाब स्टूडेंट को OMR शीट में भरने होते हैं। सैनिक स्कूल में छठी क्लास में एडमिशन के लिए स्टूडेंट की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं क्लास 9 में एडमिशन के लिए स्टूडेंट की उम्र 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को एग्ज़ाम फीस भी देनी होगी। जर्नल OBC डिफेंस और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के स्टूडेंट को 650 रुपये फ़ीस देनी होगी। वहीं SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट को 500 रुपये फ़ीस देनी होगी। अब अप्लाई करने का प्रोसेस जान लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत है, तो एक एक कर उनके बारे में जानते हैं। स्टेप 1, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट NTA.ac.in पर जाएं। दूसरा स्टेप है AISSEE 2023 एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। तीसरा स्टेप है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। चौथा स्टेप है अपने डिटेल भरें और रजिस्टर करें। पांचवा स्टेप है रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करें और अप्लाई कर दें। छठा स्टेप है फॉर्म भरने के बाद फीस पेमेंट करें। सातवां स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। अगर आप इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल की खासियत भी जान लीजिए। देश भर में कुल सैनिक स्कूलों की संख्या 33 है। सैनिक स्कूल एक तरह के बोर्डिंग स्कूल होते हैं, यानी स्कूल और हॉस्टल एक साथ होते हैं। ये स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त होते हैं। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की प्रैक्टिस, निशानेबाजी, घुड़सवारी समेत तमाम तरह की फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट के नाम के आगे कैडेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को NDA यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी, INA यानी इंडियन नेवल अकेडमी समेत दूसरे ट्रेनिंग अकेडमीज को ध्यान में रखकर अफसर पदों के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। उम्मीद है आपको सैनिक स्कूल की खासियतों से लेकर एडमिशन प्रोसेस आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए रंगरूट के साथ।